भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा गत 17 मई 2018 से 21 मई 2018 तक शिमला की प्राचीन एवं ऐतिहासिक धरोहर बेंटनी कैसल भवन के प्रांगण में एक राज्य स्तरीय ग्राम शिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस हस्तशिल्प मेले के बारे में भाषा एवं संस्कृति विभाग की मुख्य सचिव डॉक्टर पूर्णिमा चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शिल्पकारों को मंच प्रदान करना एवं उनके उत्पादों की बिक्री हेतु बाजार प्रदान करना है, ताकि प्रदेश के शिल्पकार आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो सके। हमने अपनी जो प्राचीन कलाएं हैं, कोई 8 किस्म की कलाएं हैं, उनको संजोने के लिए और जो गुम हो रही कलाएं हैं, गुम हो रहे आर्टिस्ट हैं, कोई जानता भी नहीं अब उनको, शायद ढूंढ ढूंढ के उनको 12 के 12 ज़िलों से यहाँ उनकी कला के साथ बुलाया और उनके लिए हमने रहने, खाने पीने, ट्रांसपोर्टेशन, स्टॉल सब की सुविधा उपलब्ध कराई है। और हमारी कोशिश ये है कि ये सिर्फ ये ना हो कि वो आर्टिस्ट आ रहे हैं और बेच रहे हैं, पर उनको ऑर्डर्स मिलें और जो उनके आर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे मान लीजिए हमारे रन सिंह और करनाल हैं, वो बहुत बड़े हैं, लोग खरीदना चाहते हैं, मास्क हैं, लोग खरीदना चाहते हैं, लक्कड़ की चीज़ें हैं, उनको छोटा किया जाए, इस प्रकार किया जाए कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो, ऑर्डर्स मिले। इसी उद्देश्य से आर्टिस्ट की एक लिस्ट भी बनी है, बिजनेस हाउसेस को, क्लब्स को, हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, निफ्ट कांगड़ा को, इन सबको यहाँ बुलाया गया है ताकि आर्टिस्ट यहाँ से ऑर्डर्स लेके जाए, उनकी जीविका हो। और साथ ही ब्रांड हिमाचल, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं इतने हैं, पर आजकल लोग जब 15 किलो की फ्लाइट में जाते हैं और सबके लिए कोई ना कोई गिफ्ट ले जाना, तो हमारी परंपरा है वो अफोर्डेबल भी हो, हल्की भी हो और हिमाचल का प्रतीक हो। सो इस कोशिश से ये मेले का आयोजन और किया भी ऐसी जगह, हम बड़ी आसानी से रिज पे कर सकते थे, पर हमने ये चैलेंज, बहुत बड़ा ये हमारे लिए चुनौती थी कि बेंटनी जैसी जगह, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं 1830 की बनी हुई है और यहाँ जो कमांडर बेंटनी थे, उसके बाद ये बिल्डिंग 1880 में सिरमौर के राजा, उन्होंने ली थी और ये उनका पैलेस था। और उसके बाद जब आज़ादी मिली, उससे पहले ये ब्रिटिशर्स को दे दी गई थी और ये हाल ही में कुछ साल पहले हमारी सरकार ने इस बिल्डिंग को नेगोशिएट करके प्राइवेट पार्टी लहनुमल बिशनदास, यहाँ उनकी दुकान होती थी स्कैंडल पॉइंट पर, तो उनके जो आगे डिसेंडेंट्स थे, लीगल हेयर्स थे, उनसे खरीदी है ये बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग अब हाल ही में इसके बारे में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसकी रेनोवेशन का जिम्मा उनको दिया गया है, फंडिंग उनसे आ रही है। तो टूरिज्म ने इसको बंद कर देना है कुछ अवसर के लिए ताकि इसकी रेनोवेशन हो। उससे पहले हमने सोचा इस बिल्डिंग की पहचान, अगर दीवारें बोलती तो यह क्या बोलती। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि इस शिल्प मेले का आयोजन करते करते लोगों में इतना उत्साह, हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने बड़ी मेहनत की है, उनमें इतना उत्साह जागरूक हुआ है कि हमारे जॉइंट डायरेक्टर ने तो एक पोएम भी लिख डाली कि अगर ये बिल्डिंग बेंटनी बोलती तो क्या बोलती, कि आज उसके प्रांगण में रौनक ही रौनक है जहाँ बिल्कुल वीरानगी थी। और कोशिश ये कि शिमला में आज हिमाचल में एक नई और योजना हमने शुरू की है, आज पुरानी राहों से, उसमें भी ये एक नया चैप्टर है, ना केवल ये पहला शिल्प मेला हिमाचल का, पर आज पुरानी राहों से जो बेंटनी आवाज़ लगा रही है और जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स आवाज़ लगा रहे हैं, उस आवाज़ को सुनने के लिए आप देख ही रहे हैं कितने लोग यहाँ खड़े हैं। और शिमला ऐसी जगह है जहाँ अपनी पॉपुलेशन तो कॉरपोरेशन एरिया की केवल 2 लाख है, कोई लगभग 25 लाख टूरिस्ट आते हैं। सो हमें पूरा यकीन है कि उन टूरिस्ट से ना केवल बिक्री होगी, पर शिमला और हिमाचल को एक ना केवल नई जगह मिलेगी, हेरिटेज वैल्यूज बेंटनी की बढ़ेगी और हिमाचल की बढ़ेगी, पर शिल्पकारों को एक पहचान मिलेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुए। मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम मेले में लगी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया।
भाषा एवं संस्कृति विभाग के सह निदेशक राकेश कोरला ने मुख्य अतिथि तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और मेले के बारे में जानकारी दी। मान्यवर, हिमाचल प्रदेश देव भूमि है और हमारा ये प्रयत्न होना चाहिए कि ये देव भूमि ही रहे। इसके लिए हमें अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को जिंदा रखना है और भाषा एवं संस्कृति विभाग यही प्रयत्न करता रहता है। हमने अपनी संस्कृति को लोक गीतों में पिरोया है, लोक गाथाओं में संजोया है और धातु में इसको उकेरा है, काष्ठ पे इसको नकाशा है और रंगों से इसे संवारा है और सजी संवरी हमारी हिमाचल की संस्कृति आज यहाँ बेंटनी कैसल में उपस्थित है, सभी से अनुरोध कर रही है कि मुझे अपनाओ, मुझे निहारो। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भाषा कला एवं संस्कृति अकादमी द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने लोगों तथा शिल्पकारों को संबोधित करते हुए कहा, एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान पर एक ऐतिहासिक पहल आज शुरू हुई है और मुझे इस बात की खुशी है कि बेंटनी कैसल जो एक बात के लिए नहीं, बहुत सारी यादगारों की धरोहर है। ये हम उस स्थान पर हैं और उस स्थान में आज हम इस कार्यक्रम के चश्मदीद गवाह हैं और मैं इस बात से सहमत हूं, स्वाभाविक रूप से एक ऐसी इमारत, एक ऐसी जगह जो बहुत सारी बातों की चश्मदीद गवाह है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इसको जो जहां डेवलप करने की दृष्टि से जो सरकार ने अब मन बना लिया है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऐसी चीजों को लेकर के हमने जहां पुरानी बातों को, बहुत सारी बातों को याद किया जा सकता है और मुझे लगता है कि ऐसी चीजों को अगर हम हिमाचल प्रदेश में अगर बहुत सारी चीजों को देखें, बहुत कुछ हमारे पास ऐसा है जिसको हम इस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और मैं कहूंगा टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, भाषा एवं कला संस्कृति के अधिकारी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कुछ चीजों को हमको इस प्रकार से जोड़ना चाहिए। हम यहां पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक सौंदर्य हमारे पास मौजूद है, उसको देखते हैं लोग, आनंद लेते हैं, लेकिन हमारा इतिहास क्या है और हिमाचल प्रदेश में कुछ एक स्थानों का, कुछ एक जो भवन इस प्रकार के हैं जहां का इतिहास लंबे समय तक हम स्मरण कर सके और उसके लिए आवश्यक है कि हम जो है इस प्रकार की कहानी, इस प्रकार की और उसमें झूठ कुछ नहीं, असत्य नहीं, सत्य पर आधारित इस प्रकार से अपनी सारी बातों को जो है प्रस्तुत करें और जो बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बने। जो आज शुरुआत की, खास तौर से यहाँ पर जो हमारे इसमें ग्राम शिल्प मेला की, उस दृष्टि से भी मुझे लगता कि बहुत महत्वपूर्ण है। दिन में इस प्रकार के कार्यक्रम जो हमारे ग्राम शिल्प कलाकार जो हैं यहाँ पर अपना जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका प्रदर्शन करें, लोग आएं और वहाँ यहाँ आकर के वो देखें भी और देखने के साथ साथ वो खरीदें भी और वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आय का जरिया बने और उसके साथ साथ मैं महसूस करता हूँ कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा हैंडीक्राफ्ट हैंडीलूम का जो जितना भी प्रोडक्ट, सबसे बड़ी समस्या उसमें मार्केटिंग की है। ऐसे चिन्हित स्थान हमारे लिए ऐसे होंगे जहाँ टूरिस्ट जो है वो हमने पैसे दे करके नहीं लाया
वो अपने पैसे से आता है, शिमला पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने पैसे से आता है। और अपने पैसे से आने के बाद जो जब इस कॉम्प्लेक्स में वो एंटर करे, शुरू करे, और वो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखे भी, देखने के बाद इनको समझे भी, और उसके बाद खरीदे भी, ऐसी परिस्थिति जो है आने वाले समय में हम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक प्रयास, एक प्रयत्न हमारा जो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के दृष्टि से जो हमारे कलाकार जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हिमाचल की बहुत सारी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जो आज की तौर पर हम महसूस कर रहे हैं वो गुम होती जा रही है, छूटती जा रही है, पिछड़ती जा रही है, उसको भी प्रोत्साहन करने की दृष्टि से हम काम करने में सफल होंगे। और आज के इस कार्यक्रम में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये शिमला पर्यटन का हमारा बहुत बड़ा एक केंद्र है, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है ये, लेकिन बहुत चीज़ें शिमला में आकर के लोगों को निराश करके जाती हैं, और उस सारी चीज़ को ठीक करने के लिए हमको नई शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है कि पहल करनी पड़ेगी, और वो नई शुरुआत उस दृष्टि से करने की बातें हैं। तो ये मुझे लगता है किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जहाँ हमको काम करना है, इतना मैं कहना चाहता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के लिए सभी यहाँ जितने भी हमारे इस ग्राम शिल्प मेला में जितने भी बंधु आए हैं, मैंने आई है अपने जो प्रोडक्ट लेकर के, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर प्रयत्न हुए हैं, चाहे वो बात चंबा की है, चाहे वो कांगड़ा की है कला की, चाहे वो मंडी की है, चाहे कुल्लू की है, चाहे किन्नौर की है, चाहे लाहौर की है, हर जगह का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हम देखने को हमको मिल रहा है। उस दृष्टि से उन सबको जहाँ बधाई देता हूँ, और आने वाले समय में इस प्रकार से जो ग्राम शिल्प मेला के माध्यम से हम जितने भी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट तक पहुंचाने में सरकार की ओर से हर संभव सहयोग दिया जाएगा। इतनी बात कहते हुए आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं एक बार फिर से बधाई देता हूँ। 5 दिन तक चलने वाले इस हस्तशिल्प मेले में विभिन्न प्रकार के उत्पाद रखे गए हैं। ये उत्पाद प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में बसे हुए शिल्पकारों द्वारा तैयार किए गए हैं। मेले में जहां हस्तशिल्प उत्पादों को रखा गया है, वहीं हाथ से तैयार ऊनी तथा रेशमी वस्त्र भी रखे गए हैं। आज ये जो हम बैंटनी पे खड़े हैं, ये बैंटनी जो ये पुरानी एक कोठी थी जिसकी अधिकतर आर्किटेक्चरल शैली एक स्विस बवेरियन स्टाइल में है और अल्पाइन आर्किटेक्चर इसमें हमें दिखता है, ये एक समय राजा सिरमौर की कोठी हुआ करती थी। पार्टीशन के बाद कुछ समय तक यहाँ पे जो अब चंडीगढ़ में अखबार है ट्रिब्यून, उसके भी यहाँ पे ऑफिसेस यहीं बैंटनी में हुआ करते थे। आज इसे अधिकतर बैंटनी कासल कहा जाता है, पर हिस्टोरिकली जो नाम इसका है बैंटनी, केवल बैंटनी ही है, कासल कभी जोड़ा नहीं जाता था इसके साथ। जो आज ये जो इवेंट यहाँ पे हो रहा है, एक बड़ा कैसे कहेंगे कि एक बड़ा अच्छा इवेंट है कि एक तरह से जो हिमाचल के विभिन्न कलाकार हैं, कलाएं हैं, खाना है, ये एक जगह पे अवेलेबल है और एक बड़ी कन्वीनियंट लोकेशन पे है। बल्कि ये बहुत अच्छा है कि ये जो लोकल लोगों के लिए भी, टूरिस्ट के लिए भी, कि एक ही जगह पे इतना कुछ इन्हें मिलने को, देखने को और करने को मिल जाएगा। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग। शिल्पकारों का कहना है कि जहां उन्हें मेले के माध्यम से उनके उत्पादों की प्रदर्शनी हेतु मंच मिला है, वहीं उन्हें उत्पादों की बिक्री हेतु बाजार भी मिला है।
मेरा नाम तिलकराज सांडिल्य है, मैं चंबा से हूँ और पिछले 40 साल से मैं धातु कला के इस काम को कर रहा हूँ। शिल्पकारों एवं धातु की मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकारों का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी इस कार्यों की ओर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। यदि सरकार उनके उत्पादों को राज्य व अंतर्राज्य स्तर पर बाजार उपलब्ध करवाए तो उनके उत्पादों को जहां अच्छे दाम मिलेंगे वहीं उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। माहौल ही कुछ ऐसा है, आजकल सब डिजिटल में है, बटन दबा के काम करवाने वाले हो गए हैं, तो इतना काम कौन करेगा, वो तो हमें देख कर ही बेहोश हो जाते हैं कि कैसा काम सीख लिया भाई आपने। तो अपर ये है कि आदमी जब इंटरेस्ट करके घुस जाएगा इसमें तो उसको काम करने में मज़ा आएगा। अब मैंने सर्विस नहीं की, मैं उस वक्त सर्विस भी कर सकता था, मैं हालांकि इस कर काम करते उड़ते मैं म्यूनसिपल कमिश्नर बना, पर मैंने वो लाइन ही छोड़ दी, मैंने इस काम को नहीं छोड़ा। मैंने कहा इसको सब नहीं कर सकते, परमात्मा ने हमें कुछ दिया हुआ तो ये काम मैं नहीं छोड़ूंगा। आज मुझे 40 साल हो गए काम करते हुए और इस काम को मैं कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, प्रोसेस भी ही है। इस काम के लिए तो पेशेंस चाहिए, ये तो है नहीं कि अभी सांचा निकाला और मूर्ति बना के दे दी, इसके लिए हमें 6 महीने चाहिए। अभी जो ये सुशांत भैरवी है इसको मुझे 6 महीने लगे थे, हाँ जी 6 महीने में बनी, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, ज़्यादा गर्मी में वैक्स का काम नहीं होता है, ज़्यादा सर्दी में ढलाई का काम नहीं होता है। अगर लास्ट स्केल में करना है काम कि भाई हमें ये 100 पीस चाहिए, तब हो सकता है, उसका प्रोसेस अलग है, वो आता है सैंड कास्टिंग में, पर आप लोग उसकी पूजा नहीं कर सकते क्योंकि वो खंडित पीस हो गया फिर। अच्छा हाँ जी, ये है, ये खंडित नहीं है, इसकी पूजा कर सकते हो आप। आज मेरे ख्याल शिमला के लोगों के लिए तथा शिमला के में घूमने आए पर्यटकों के लिए एक ऐतिहासिक दिन, जो कि इस जगह पर एक ऐतिहासिक इमारत, बहुत कुछ इस इमारत ने देखा है, शिमला को पनपते हुए एक उत्थान में आते हुए उसका एक जीवंत और जीवन देने का प्रयास इस कला शिल्प मेले में आज के दिन शुरुआत हुई है। और भाषा संस्कृति विभाग को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने इस प्लेस को ढूंढा और इस जगह पर, जो कि लोग देखते भी नहीं थे इस जगह को, एक ऐसी जगह बना दी कि जहाँ पर कि हर दूर दूर से कलाकार हिमाचल के किन्नौर, चंबा, हमीरपुर, मंडी अपने अपने कलाकृतियों के साथ एक प्लेटफॉर्म में एक जगह इकट्ठे होके उनको आपस में मेलजोल, आपस में सीखना, दूसरे को अपनी कला को समझाना, दिखाना, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो कि हमारे संस्कृति को भी बढ़ाता है तथा हमारे कला शिल्प को एक ऐसा मोड़ देता है जो कि एक व्यवसाय के लिए भी बहुत अच्छा उत्तम प्रयास रहा है। मैं दोबारा हिमाचल सरकार को कहूँगा कि इसको एक ईयरली इवेंट बनाएं ताकि हर साल ये कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े कलाकार आएं और एक ऐसा इवेंट बनाएं कि जैसे फरीदाबाद में एक बहुत सूरजकुंड का मेला लगता है और देश में प्रसिद्ध है, दूर दूर से वो इंटरनेशनल फेयर हो गया है, क्यों ना ये शिल्प, हिमाचल का शिल्प मेला एक दिन ऐसा बने कि अंतर्राष्ट्रीय के लोग भी इसमें आने, प्रतिभागी और इसमें पार्टिसिपेट करने और यहाँ से चीज़ें लेके एक सोवेनियर हिमाचल का बने और ले जाने का प्रयास करें। हम उम्मीद करते हैं कि ये आर्टिस्ट, इनके हैंड होल्डिंग हम तब तक करते रहेंगे जब तक ये अपने पैरों पे खड़े होने के लिए सक्षम नहीं हो जाते या इनको कोई ना कोई पैरों पे खड़े होने वाला प्राइवेट सेक्टर वाला नहीं मिल जाता। और ये तो शुरुआत है, हम कोशिश ये करेंगे मंडी, चंबा, कुल्लू, धर्मशाला की सारी जगह इस प्रकार के शिल्प मेले लगें। अभी तक जिन लोगों को यह मौका मिला है उनके अलावा बहुत फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, लोगों को जानकारी मिल गई है, यही हम चाहते थे, प्रोत्साहित हों और हम उनको यहाँ बुलाने के लिए उनकी तरफ जाएं।
चंबा की तरफ जाएंगे तो आपको पूरा यकीन है, और इंटर स्टेट भी करना चाहते हैं, स्टेट से भी हमारे को बहुत क्वेरीज आ रही हैं, वो भी आना चाहते हैं।